Yes, good morning to all of you. Today we will learn chapter 3 of class 5, Caring. English chapter Caring it is written by the writer Yulia. Yulia was very successful woman and she was working for Red Cross Society and she was poetess also. So this is all about the incident caring. What is the word meaning caring? Caring means to care about anyone. So this is so we will start our chapter. This happened in the autumn of 1944 in Estonia during the war of Soviet Union against Germany. So Soviet Union and Germany के बीच में 1944 पे Estonia पे autumn के month पे ये incident हुआ. राइटर हमें इंसिडेंट बता रही है कि ये राइटअप उन्होंने कब लिखा था. सो सोवियत ड्यूरिंग द सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच के वॉर के टाइम का ये इंसिडेंट है 1944 पे इस्टोनिया पे. एज अ फील्ड नर्स ऑफ रेजिमेंट ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स आई हैड ट्रेवल्ड विद द एडवांसिंग ट्रूप. मीन्स यहाँ पे बता रही है, राइटर बता रही है कि इस टाइम पे उन्होंने ट्रूप के साथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रूप, द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के साथ में उन्होंने ट्रेवल किया. सो द मेडिकल कार हैड गॉट स्टक फार बिहाइंड समवेयर. जब वो जा रही थी तो उनकी जो मेडिकल वैन थी वो कहीं और स्टक हो गई, कहीं रुक गई थी. आई हैड नो कम्युनिकेशन विथ इट. बट राइटर यहाँ बता रही है कि उनके पास में बाकी उनकी जो कार वैन पर्सन्स थे उनसे उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ. माई स्टॉक ऑफ बैंडेज वॉज ड्विंडलिंग विथ एन अलार्मिंग रेट. देयर आर ऑलवेज मैनी वाउंडेड ड्यूरिंग वॉर्स. सो राइटर अभी बता रही है कि इस टाइम पे उनका जो स्टॉक था, जो बैंडेज का स्टॉक था, वो अलार्मिंग वे पे था, वो भी ख़त्म होने वाला था. और उनके पास इस टाइम पे कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था. उनके पास बहुत सारे सोल्जर्स थे बिकॉज उनके पास बहुत सारे सोल्जर्स को उनको ट्रीट करना था. एंड देन वन डे एन ओल्ड वूमेन अप्रोच्ड मी. सो एक दिन क्या हुआ, एक ओल्ड वूमेन उनको अप्रोच करती है. शी वॉज लविंगली होल्डिंग मैडली कैकलिंग डर्टी वाइट हैंड इन हर हैंड. वो अपने हैंड पे एक डर्टी, एक घायल हैंड को होल्ड किए, जैसा कि आप इस पिक्चर पे देख सकते हैं. इसी इंसिडेंट को वो डिफाइन कर रही. शी न्यू नो रशियन बट शी मेड हर सेल्फ क्लियर एनफ हर हैंड हैड अ ब्रोकन लेग, ऑब्वियसली द रिजल्ट ऑफ द बॉम बर्डनमेंट. सो वो यहाँ पे बता रही है कि उनको रशियन नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने अपनी भाषाओं से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से उनको क्लियर कर दिया कि उनके हाथ में जो हैंड थी वो बहुत, उनके लेग पे इंजरी थी. और ड्यूरिंग द बॉम्बार्डमेंट मीन्स बमबारी, जब बहुत सारी गोलियां चलती हैं तो उसे बोलते हैं हम बॉम्बार्डमेंट. ओके, सो दिस इज डिफाइंड हियर. सो बॉम्बार्डमेंट पे के बीच में, गोलीबारी के बीच में उनकी जो हैंड थी वो इंजर्ड हो गई थी. आई डिड नॉट थिंक द ओल्ड वूमेन वॉज मेकिंग एन अनरीजनेबल क्वेश्चन आस्किंग मी टू हेल्प द फॉल. मुझे नहीं लगा कि इस टाइम पे लेखक अपनी मन स्थिति बता रही है कि उनको नहीं लगा कि उस जो वुमेन ने उनसे कोई भी गलत तरीके का अकारण कोई भी रिक्वेस्ट की थी. आई डोंट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पीपल हु थिंक दैट फीलिंग पेन इज द प्रिविलेज ऑफ ह्यूमन. मैं, क्योंकि वो अपनी मनस्थिति बता रही हैं, उनका कहना है कि मैं उस तरह के लोगों से बिलोंग नहीं करती जो ये सोचते हैं कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को पेन पहुँचाना, तकलीफ पहुँचाना अच्छी बात होती है. सो बट वॉट वुड माई कॉमरेड से. अगेन उनको ये लग रहा था कि उनके जो सीनियर्स, कॉमरेड्स, हियर इज़ वन वर्ड कॉमरेड. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमरेड? कॉमरेड इज़ अ पर्सन हु इज़ लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं. एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो बॉस होते हैं उनको हम कहते हैं कॉमरेड्स. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू द ओल्ड वुमेन बट दैट आई वॉज शॉर्ट ऑफ बैंडेज बट शी जस्ट कैप्ट पुशिंग द हैंड इन टू माई हैंड. यहाँ पे वो बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है अपनी सिचुएशन को. आप देख सकते हैं जैसे कि इमेज पे भी, कि यहाँ पे जब वो अपनी स्थिति बताने की कोशिश कर रही थी उस वुमेन को, लेकिन वो जो वुमेन थी वो उनके हैंड पे कंटिन्यूसली उस हैंड को पुश कर रही थी. सो देयर हैड फॉर्म्स अ सर्कल ऑफ क्यूरियस अराउंड अस. सडनली आई हर्ड द रिप्रूविंग वॉइस ऑफ मिडिल एज सोल्जर.
सो उनके आसपास पूरे सोल्जर्स का सर्कल लग गया था और उनके हाथ में ऑल ऑफ सडन उन्होंने देखा कि उन्होंने एक आवाज़ सुनी, मिडिल एज्ड सोल्जर, एक सोल्जर जो मिडिल एज के थे, उन्होंने कुछ कहा, दैट्स लिविंग क्रिएचर इन पेन, हैव यू नो हार्ट लॉस, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉस, हियर इज़ वन वर्ड LASS, लॉस मीन्स लड़की। सो उन्होंने उनको बोला कि ये एक लिविंग क्रिएचर है, ये एक जीवित प्राणी है, हैव यू नो हार्ट, क्या आपके पास में कोई भी दिल नहीं है, क्या आपको इसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। अनदर यंगर मैन स्टॉप्ड हिम, सपोर्टेड हिम, दूसरे एक यंगर मैन ने उनको सपोर्ट किया, ऑल दोज सिटी फॉक आर अलाइक, नो अंडरस्टैंडिंग। सो कि हम सारे जो लोग हैं, सारे जो लिविंग थिंग्स हैं, वो सेम होते हैं, आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। देन केम अ कोर्स ऑफ कॉन्डेमनेशन, द थिंग्स सेड अबाउट द हर्टलेसनेस, आई डोंट लाइक थिंकिंग ऑफ इट इवन नाउ। फिर उनके सामने एक सेना की पूरी झुंड आ जाती है, टुकड़ी आ जाती है, और जो उन्होंने कहा, राइटर यहाँ पे अपनी स्थिति बता रहे हैं कि उन्होंने जो कहा, उनको लगा कि ये हार्टलेस है, मीन्स ये निर्दय लोग ही ऐसे कह सकते हैं, ये कोई हार्टलेसनेस, उन्होंने जो भी बात कही ऐसा लग रहा था सुन के कि ये कोई भी हार्ट वाला पर्सन नहीं कह सकता है। ट्रू वन, जोकर सजेस्टेड दैट द वॉटेड चिकन वुड मेक अ वेरी नाइस ब्रॉड, बट दे टर्न्ड हिम इनटू फायर स्ले एंड ही शट हिज माउथ इन अ हरी एंड जस्ट ब्लिंक्ड। ऑल ऑफ सडन वहाँ पे एक पर्सन ये बोलते हैं कि ये घायल जो चिकन है वो बहुत अच्छा शोरबा हो सकता है, सूप हो सकता है, वी कैन मेक इट सूप। सो लेकिन लोगों ने ऑल ऑफ सडन उसे जमकर वहाँ से हटाया और उसे आँखों के देखते ही वो वहाँ से ओझल हो गया। आई ओपन्ड माई बैग, somebody plant two chips for me and I applied splints on the hands leg and full accordance with my medical। यहाँ पे फिर basically युलिका अपनी स्टेटमेंट बता रही है कि मैंने फिर ऑल ऑफ सडन अपने बैग को ओपन किया और जो भी मैं कर सकती थी मेडिकल साइंस के अवेयरनेस के अकॉर्डिंग वो मैंने ट्रीटमेंट दिया उसे। देन आई वॉज दस गिवन एन ऑब्जेक्ट लेसन, काइंडनेस ऑफ फ्रंटलाइन सोल्जर हु इट वॉट सिम दैट शुड हैव बीन पर्स्ड ऑफ ऑल सेंटिमेंटली बाई द वॉर। इट मीन्स कि मैंने वहाँ पे एक काइंडनेस का लेसन दिया सारे सोल्जर्स को जो फ्रंटलाइन पे थे, जिससे कि जो वॉर था वो पर्ज्ड हो गया, पर्ज्ड मीन्स शुद्ध हो गया, प्योर हो गया। सो दैट लेसन वॉज टू बी रिमेंबर्ड बाय मी ऑलवेज एंड आई रिमेंबर इज नाउ एज आई एम राइटिंग अबाउट माय एलिस माय फॉक्स। आई रिमेंबर दैट अनइमेजिनेबली डिस्टेंट वॉर ऑटम एंड माई सेल्फ एंड अ वैकन गर्ल with a red cross bag over my shoulder and a crackling hand in my hands। so ये जो lesson थी, writer यहाँ पे यूलिया basically अपनी mental statement बता रही है कि उससे उन्होंने ये सीखा कि जब मैं अपनी second chapter लिख रही हूँ, Alice My Fox जब writing लिख रही हूँ, तो उस time पे मैं याद करती हूँ कि उस समय के autumn में मेरे बीच एक awkward girl और एक red जिसने हाथ में red cross bag था और एक क्रैकलिंग हैड, एक जो घायल हैन थी, उनके बीच में एक जो स्टेटमेंट था उसको वो याद कर रही हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, वी कैन समराइज द चैप्टर दैट ह्यूमैनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन। और हमें अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को हमेशा बरकरार रखना चाहिए और ह्यूमैनिटी से ही सारे वर्क करना चाहिए। ये लेसन हमें इस चैप्टर से मिलता है। Thank you so much. If you want to see part 2, please write us comment. हम आपको part 2 में सारे question answers भी discuss करेंगे और इनके answers भी देंगे. Thank you so much.